बागवानी से किसानों का दिल बाग बाग। किसानों की आर्थिक स्थिति में तेजी से सुधार। सरकार की मदद से किसानों का संकट दूर। बागवानी अपनाओ, आय बढ़ाओ, पानी और पर्यावरण बचाओ। हरियाणा सरकार खेती में किसानों का घाटा दूर करने और भूमि को डार्क जोन से बाहर लाने की कवायद लगातार कर रही है, जिसका असर भी साफ दिख रहा है। हरियाणा प्रदेश ने बागवानी के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। ये सब मुमकिन हो पाया है सरकार की दूरदृष्टि और किसानों के साथ बागवानी विभाग के सही कोऑर्डिनेशन की वजह से। कैथल जिले के किसान सुधीर कुमार को जब से उद्यान विभाग का सहयोग मिलना शुरू हुआ, तब से उन्होंने उन्नति के नए आयाम स्थापित किए हैं। वे अपने फॉर्म में उन्नत किस्म की फसलों को तैयार कर काफी ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं और बेहतरीन जिंदगी जी रहे हैं। किसान सुधीर कुमार ने बताया कि विभाग ने उनसे नेट लगाने के लिए कहा। उनकी बताई हुई तकनीकों को जैसे ही अपनाया तो पहले ही साल में असर दिखना भी शुरू हो गया। पहले वर्ष ही करीब 8 लाख की कमाई हुई, जिससे किसान का हौसला बढ़ गया। उसके बाद उन्होंने फिर से नेट लगाया, जिस पर सरकार ने 65% अनुदान भी दिया, यानी किसान को प्रदेश सरकार की तरफ से आर्थिक मदद भी मिली। तो वहीं फर्स्ट क्रॉप के लिए विभाग ने 2,80,000 रुपए की सब्सिडी दी। इसके बाद जब व्यवसाय का दायरा बढ़ना शुरू हुआ तो टैंक लगाया, उस पर भी सरकार ने सब्सिडी प्रदान की। किसान की मेहनत और लगन के साथ साथ सरकार से मिली मदद के कारण उनका हौसला बढ़ता गया और अब उनकी 20 लाख की सालाना कमाई हो रही है। मैं नॉर्मल खेती करता था, उसके बाद मैंने डिपार्टमेंट ने, हमारे DHO होते थे, उन्होंने मेरे को बोला कि आप एक नेट लगाओ। नेट लगाने के बाद मैंने देखा कि एक साल में मेरी इनपुट 8 लाख, अप्रोक्सीमेटली 8 लाख आ गई, तो मैं और उत्साहित होके मैंने दूसरा नेट फिर लगाया। डिपार्टमेंट ने उसके ऊपर 65% सब्सिडी दी और फर्स्ट क्रॉप के लिए भी डिपार्टमेंट ने 2,80,000 रुपये मेरे को सब्सिडी दी। उसके बाद फिर मैंने बाग लगाया 2 एकड़ में, मैंने टैंक बनाया, टैंक के लिए डिपार्टमेंट ने सब्सिडी दी। तो अब मेरा इनपुट अप्रोक्सीमेटली 20 लाख रुपये है सालाना। जहां पहले खुद के घर का खर्च भी मुश्किल से चलता था, वहीं अब बागवानी अपनाने के बाद उनकी खुद की आर्थिक स्थिति में तो सुधार हो ही चुका, साथ ही अब किसान सुधीर कुमार दूसरे लोगों को भी रोजगार देने के काबिल बन गए हैं। उनके पास करीब 15 लोग काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, किसान की माने तो वो 7.5 एकड़ में माइक्रो इरिगेशन, जिस पर सरकार 100% अनुदान देती है। इतना ही नहीं, इससे पानी की करीब 80% तक बचत भी होती है। ये किसान 4 एकड़ में अमरूद की खेती भी कर रहे हैं, जिससे उनको लाभ हो रहा है। ऑर्गेनिक होने की वजह से यहीं से इनके फलों की बिक्री भी हो जाती है, यहीं से वो माल दे देते हैं और पेमेंट हाथों हाथ ले लेते हैं। यानी उनको बिक्री के लिए ना तो मार्केट जाना पड़ता, ना ही किसी भी तरह की कोई समस्या का सामना करना पड़ता। उन्होंने बताया कि समय समय पर न सिर्फ बागवानी विभाग बेहतरीन तरीके बताता है, बल्कि सेमिनार का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें किसानों को सम्मानित किया जाता है, ताकि दूसरे किसान भी प्रेरित हो सके। हरियाणा के राज्यपाल और प्रदेश सरकार की तरफ से भी किसान सुधीर कुमार को जैविक खेती अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनसे भी काफी लोग जुड़े हुए हैं, जिनकी सुविधा के लिए विभाग ने इनको एक ऑफिस सेटअप भी दिया हुआ है, जहां से ये किसान लोगों की एप्लीकेशन को विभाग तक पहुंचाते हैं। उनका कहना है कि उद्यान विभाग की तरफ से लगातार किसानों को फायदा पहुंचाया जा रहा है और कई तरह की जरूरी जानकारियां भी प्रदान की जाती है। तो मेरे पास 15 लेबर काम करती है, उनका भी काम चलता है। 7.5 एकड़ में माइक्रो इरिगेशन, जो कि सरकार उसके ऊपर भी 100% सब्सिडी देती है और उससे 80% पानी की बचत होती है। फर्टिकेशन जो माइक्रो न्यूट्रिएंट देने होते हैं वो साथ साथ मिलते हैं। जितने अमरूद है मेरे 4 एकड़ में, इसके अंदर कोई स्प्रे नहीं है, प्योर ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक होने की वजह से हमें कहीं मार्केट भी नहीं जाना पड़ता, यहीं पवारी को माल देते हैं, यहीं पेमेंट ले लेते हैं। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट टाइम टाइम पर सेमिनार करता है, सेमिनार में किसानों को अवार्ड भी देता है,
ताकि दूसरे देखने वाले किसान भी प्रोत्साहित हो उससे। मेरे को भी एक ऑर्गेनिक का अवार्ड मिला हुआ राज्यपाल से, और स्टेट से मेरे को पीछे 26 जनवरी पे ऑर्गेनिक पे भी मेरे को अवार्ड मिला है। तो मेरे को देखे देखे बहुत लोग उत्साहित हो गए हैं। 250 तो मेरे साथ मेंबर जुड़ चुके हैं FPO में। उनकी सुविधा के लिए डिपार्टमेंट ने मेरे को ऑफिस सेटअप दिया हुआ है, जो उनकी एप्लीकेशन वगैरह यहीं से लेकर के मैं आगे डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड करता हूँ। तो डिपार्टमेंट तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत फार्मर को आगे बढ़ाया है। हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए ऐसी शानदार योजनाएं चलाई हैं कि अब उनको काफी फायदा होने लगा है। बागवानी विभाग की मदद की बदौलत ही हिसार जिले के किसान ईश्वर सिंह ने अपनी खेती को बढ़ाकर 12 एकड़ में करना शुरू कर दिया है। सूक्ष्म सिंचाई तकनीक के जरिए पौधों की सिंचाई की जा रही है। इनके द्वारा उत्पादित किया गया अमरूद आज दिल्ली तक मशहूर है। किसान ने बताया कि उनके दादा ने 1870 में बागवानी क्षेत्र में कदम रखा, उसके बाद पिता ने भी ये बागवानी की और फिर खुद भी बागवानी को ही आगे बढ़ाया, और अब इनके बेटे भी बागवानी में ही अपना जीवन सवार चुके हैं। इससे करीब 15 से 20 लाख रुपए सालाना आय भी है। एक एकड़ में नेट हाउस लगा रखा है, जिसमें कभी करेला तो कभी मिर्च और खीरे लगाए जाते हैं। बाकी जगह भी नींबू, तरबूज, अमरूद समेत तमाम फल होते हैं। साथ ही इनमें ड्रिप सिस्टम से पानी दिया जाता है, जिससे पानी की भी काफी बचत होती है। हमारे बागवानी 1870 से मेरे दादाजी ने शुरू की थी, फिर मेरे पिताजी ने की, अब मैं कर रहा हूँ। अब मेरे लड़के भी यही काम कर रहे हैं। इसकी आमदन 15 से 20 लाख रुपए सालाना कभी कम भी हो जाती है, कभी ज़्यादा भी हो जाती है। एक किले में नेट हाउस है, इसमें कभी करेला लगाते हैं, कभी खीरा लगाते हैं, कभी मिर्च लगाते हैं। बाकी मैं कहीं अमरूद है, आड़ू है, नींबू है, खरबूजे तरबूज लगाते हैं। ड्रिप का सारा सिस्टम है, खाद दवाई पानी जो भी जाता है ड्रिप द्वारा जाता है, इससे पानी की भी बचत होती है। किसान ईश्वर सिंह ने बताया कि उनके यहाँ पर कुछ लोगों को रोजगार भी दिया हुआ है, यानी बागवानी से किसानों के दिल बाग बाग हो गए हैं, क्योंकि समय समय पर विभाग की तरफ से उन्हें कई तरह की आधुनिक तकनीकों से अवगत भी कराया जाता है, जिससे उन्हें काफी फायदा होता है। उन्होंने दूसरे किसानों से भी बागवानी के क्षेत्र में आगे आने की अपील की है। सोलर लगाया हुआ है, सोलर की लाइट यूज करते हैं, इससे बिजली का बिल का भी फायदा होता है। 4-5 बंदे लेबर रखी हुई है, उससे एक्स्ट्रा अगर कोई जरूरत पड़ती है तो गांव से और बुला लेते हैं। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट वाले आते हैं, बंदे को भेजते रहते हैं, बताते रहते हैं ये करो वो करो, इसीलिए किसानों को और भी आगे आना चाहिए। यानी किसान ईश्वर सिंह काफी लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, साथ ही उन युवाओं के लिए भी साफ संदेश हैं जो खेती में अपना भविष्य देख रहे हैं। इतना ही नहीं, बागवानी अपनाने वाले किसानों को घाटा नहीं होता, क्योंकि सरकार की तरफ से किसानों को मदद दी जाती है। धान और गेहूं की फसल को छोड़कर प्रदेश के किसानों को बागवानी के लिए प्रेरित किया जा रहा है। बेर, चीकू, लीची, आंवला, आम, अमरूद, नींबू, अनार के बाग किसानों के लिए आमदनी का साधन बन रहे हैं, और भूजल के साथ पर्यावरण को भी सुरक्षित किया जा रहा है। गिरते भूजल के संरक्षण की दिशा में प्रदेश सरकार भी कदम बढ़ा रही है, जिसके चलते धान के स्थान पर फलों के क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा रहा है। मिट्टी की सेहत का ख्याल भी ध्यान में रखते हुए अब प्रदेश के ज्यादातर किसान पारंपरिक खेती को छोड़कर प्राकृतिक खेती की तरफ रुख कर चुके हैं। इनमें नेचुरल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल होता है, जो न सिर्फ मिट्टी की सेहत के लिए लाभकारी होते हैं, बल्कि फसलों की उत्पादकता को भी बढ़ाते हैं। आज काफी बड़ी संख्या में किसान प्राकृतिक खेती के साथ साथ नवाचारों को अपनाकर प्रदेश में अपना नाम कमा रहे हैं।